नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर के गृहनगर कुरूद में कांग्रेस ने संकल्प शिविर का किया आयोजन, जिसमें हजारों की तादाद में किसान व कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंच से कांग्रेस जिलाध्यक्ष लेखराम साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ से भाजपा के भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को संकल्प दिला रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है। किसानों के हक के लिए कांग्रेस हर बार प्रदर्शन करती है, तब जाकर किसानों को उनका हक मिल पाता है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष रामू रोहरा ने इसे चुनावी एजेंडा बताया और कहा कि कांग्रेस के पास प्रदर्शन करने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, विकास तो उनको दिखता ही नहीं। बहरहाल छत्तीसगढ़ में 2018 चुनाव की तैयारी जोरों पर है। जहां भाजपा विकास यात्रा निकाल रही है, तो कांग्रेस संकल्प शिविर के माध्यम से अपने अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रही है, जिसके चलते पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो चुका है। पूरा प्रदेश में अभी संकल्प शिविर चल रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा विधानसभा, जितने भी छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा है, 90 विधानसभा में चलना है। अभी 53 विधानसभा में हुआ है। ये हमारे कुरुद का चौथा विधान 54 विधानसभा है और धमतरी जिला में हमारा प्रथम विधानसभा है। इसके बाद धमतरी होगा, फिर सिहावा विधानसभा में प्रशिक्षण शिविर रखा गया है, जिसमें संकल्प शिविर के माध्यम से हम लोग सबको संकल्प दिला रहे हैं कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी के रमन सरकार और भ्रष्ट सरकार को बदलना है और 2019 में नरेंद्र मोदी के भ्रष्ट सरकार को बदलना है और कांग्रेस की सरकार लाना है। इसके लिए संकल्प शिविर हर विधानसभा में किया। जहां तक कांग्रेस प्रवेश की बात है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जनसंपर्क की यात्रा से लेकर अभी तक कुरुद विधानसभा में 1500 लगभग कांग्रेसियों ने भाजपा प्रवेश किया है। आपका 18 का आंकड़ा है, मैं निश्चित रूप से बताना चाहूंगा कि वो भाजपा ही नहीं रहे होंगे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे होंगे। संकल्प शिविर के माध्यम से सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो ये लगातार चुनाव के समय में ऐसी बात करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, क्योंकि जनता में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बैठ चुकी है। जनता भाजपा को पसंद कर रही है, जनता डॉक्टर रमन सिंह और नरेंद्र मोदी को पसंद कर रही है और उसका आप रिजल्ट देख रहे हैं। लगातार परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां उखड़ चुकी है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि उनका पतन हो रहा है, कांग्रेस का पतन हो रहा है। और अभी कुल मिला के अभी 3 राज्यों में है PPP, और वो भी आगामी चुनाव में उनका भी रिजल्ट देखेंगे। पूरा कांग्रेस मुक्त भारत होगा, निश्चित रूप से। हमारा तो संकल्प वो संकल्प यात्रा वो कर रहे हैं, हमने तो संकल्प लिया है कि धमतरी को भी कांग्रेस मुक्त करना है। कुरुद और सिहावा विधानसभा कांग्रेस मुक्त है और धमतरी भी निश्चित रूप से 2018 चुनाव में कांग्रेस मुक्त नजर आएगी। ये कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। रही बात कमीशन खोरी की, बात करते हैं वो हमेशा कमीशन खोरी की बात करते हैं, चुनाव समय में ही करते हैं ये सब मुद्दे, चुनाव समय ही इनको याद आते हैं। आईफोन की बात है, निश्चित रूप से अभी हम जो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी मोबाइल बांट रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ इतना संपन्न हो चुका है कि वो मोबाइल बांट रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चौथी बार सरकार बनेगी तो आईफोन भी बांटेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। इतना तो तय है कि वो कांग्रेस के नेता मानते हैं कि विकास हुआ है। मेरी सोच ये है, क्योंकि मोबाइल बांट रहे हैं, वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति आई है। एक एक हमारी बहनों को मोबाइल दिया जा रहा है, युवा को मोबाइल के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, ये भी एक विकास की गिनती आती है। मैं आज ये कहना चाहूंगा कि उनको विकास नहीं दिखता था, इस बहाने उनको विकास तो दिखा। और मोबाइल बांट रहे हैं तो जो मोबाइल रमन सिंह और अजय चंद्राकर उपयोग कर रहे हैं वही मोबाइल लोगों को मिलना चाहिए, एप्पल और आईफोन। आईफोन देना चाहिए उनको भी, जब बांट रहे हैं, सरकार का धन है, पैसा है, तो आईफोन दीजिए, माइक्रोमैक्स क्यों दे रहे हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।